जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, प्रश्नावली नंबर 4 तक एकदम कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। आज देखेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 5, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो आप लोग पेन कॉपी ले लो और लिख लो प्रश्नावली का नाम, ठीक है। अब प्रश्नावली नंबर डाल लेना बेटा, लिख लेना 5.1, ठीक है। यूक्लिड के अभिगृहित, हम कुछ बेटा उनके अभिगृहित देखते हैं, ठीक है, जो कि जिसका क्या करेगा बेटा, इसमें काम लगेगा हम लोगों को, ठीक है। तो पहला अभिगृहित क्या कहता है बेटा, आ जाओ इसमें पहले पे। पहला कहता है बाबू, कहता वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो पहला क्या कह रहा है बेटा, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, वे एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है बेटा। ये पहला है यूक्लिड का पहला अभिग्रह, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है, वे एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे यह मार्कर है, ये मार्कर बेटा क्या है, एक ही वस्तु के बराबर है, किसके, मार्कर के, ठीक है। तो यह मार्कर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है बेटा, आया समझ में। दूसरा क्या कह रहा है, समान राशियों में समान राशियां जोड़ने पर प्राप्त राशियां भी समान आपस में बराबर होती हैं। क्या बोल रहा है, समान राशियों में समान राशियां जोड़ने पर प्राप्त राशियां भी समान होती हैं, समान होती हैं। क्या होता है बेटा, समान राशियों में अगर समान राशियां जोड़ दिया जाए, जैसे दो समान राशियां बेटा, एक क्या है मान लिया 10 है और इधर क्या है बेटा 10 है, इधर बेटा हम दो जोड़ दें समान राशियां, इधर जोड़ दो जोड़ दें तो इधर भी 12 होगा, इधर भी 12 होगा, तो प्राप्त राशियां जो भी होंगी वो भी क्या होगा, समान होगा, ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे 6 है बेटा, यहाँ पे भी 6 है, इसमें 5 जोड़ रहे हैं, इधर भी 5 जोड़ रहे हैं, समान राशियां जोड़ रहे हैं, इधर 11 हो रहा है तो इधर भी 11 हो रहा है, तो प्राप्त राशियां भी क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है, हो जाएगा बेटा अभिग्रहित नंबर 2। तीसरा क्या कह रहा है बाबू, तीसरा कह रहा है समान राशियों में से समान राशियां घटाने पर प्राप्त राशि आपस में समान होती है, ठीक है बेटा। समान राशियों में से समान राशियां घटाने पर प्राप्त राशियां भी समान होती हैं, ठीक है बेटा। तो क्या कहता है बेटा, जैसे 10 है, 10 में से हम बेटा 3 घटा रहे हैं, इधर भी 10 है, 10 में से 3 घटा रहे हैं, तो क्या होगा बाबू, इधर भी 7 होगा, इधर भी 7 होगा, समान राशियों में से समान राशियां घटा दिए बेटा, क्या प्राप्त हुआ, समान राशि ही प्राप्त हुआ, ठीक है। आ जाओ बेटा अभिग्रहित नंबर 4 पे, देखते हैं चौथा अभिग्रहित क्या कह रहा है। चौथा कह रहा बाबू कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या कह रहा बेटा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, क्या होती है बेटा, संपाती होती हैं, वे एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है बेटा। जैसे क्या है, यह मार्कर इस मार्कर के संपाती है, तो क्या होगा, यह मार्कर इस मार्कर के बराबर होगा, ठीक है बेटा। यह हथेली इस हथेली के संपाती है, देखो पूरा कवर कर रहा है, तो मतलब यह हथेली इस हथेली के बराबर होगा, ठीक है। आ जाओ पांचवा देखते हैं बेटा, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है बाबू कि संपूर्ण वस्तु अपने किसी भी भाग या अंश से सदैव बड़ा होता है। क्या बोला बेटा, संपूर्ण वस्तु अपने किसी भी
भाग से सदैव बड़ा होता है। ठीक है बेटा, कोई भी वस्तु है, जैसे बेटा हम 10 केजी चावल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, चावल। ये बेटा क्या है, संपूर्ण है। ठीक है, अब कोई भी भाग इसका, इसमें से हम 1 केजी निकाल लें तो ये क्या होगा बेटा, 10 केजी जो होगा हमेशा 1 केजी से बड़ा होगा, या हम इसमें से 9 केजी निकाल लेंगे तब भी बेटा 10 केजी क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो मतलब कोई भी वस्तु होगा जो पूरा होगा उसके किसी भी भाग से, जैसे इसमें से बेटा मतलब कुछ भी भाग निकाल लेंगे तो संपूर्ण मतलब पूरे से यह भाग तो कम ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा घृत नंबर 5। आ जाओ छठवां देखते हैं बेटा। 6 नंबर क्या कह रहा है, छठवां कह रहा है बाबू कि एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। क्या होगा बेटा, कह रहा एक वस्तु का दो गुना, ठीक है बेटा, परस्पर बराबर होते हैं। बेटा कोई भी वस्तु है उसका दो गुना कर दोगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, सातवां क्या कहता है बेटा, गृहित नंबर 7 कहता है एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये भी बेटा सेम वैसे ही है, एक ही वस्तु के आधे क्या होता बेटा, परस्पर बराबर होता है। कोई भी वस्तु है बेटा, जैसे 10 है, 10 का आधा कर दोगे 5 बेटा, तो 5 और 5 2 होगा ना, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं अभिग्रहित, सातों अभिग्रहित बेटा समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लो। फिर इनकी अभिधारणा देखेंगे बेटा। ठीक है, क्या देखेंगे, अभिधारणा को। तो चलो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, अभिग्रहित को क्या करो बेटा, नोट कर लो, तब फिर देखेंगे अभिधारणा कि अभिधारणा क्या कहता है। ठीक है, हम इसको क्या करें बेटा, मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ बाबू, चलो आप लोगों से बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है बेटा, अविधारणा, अविधारणाएं जो दिया है बेटा, अविधारणा पहला क्या कहता है, कहता है बेटा कि यूक्लिड की अवधारणाएं हैं बेटा। पहला कहता है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक खींची गई रेखा खींची सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये तो सही है बेटा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक क्या है बेटा, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। पहला अभिधारणा कह रहा बेटा एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, किसी अन्य बिंदु तक लिख लेना बेटा, किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक है बेटा, जैसे एक बिंदु है यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे है, यहां से यहां तक सीधी रेखा की एक खींची जा सकती है। ठीक है बेटा, आ जाओ अभिधारणा नंबर 2 पे। दूसरा क्या कह रहा है बाबू, दूसरा कह रहा है बेटा कि अभिधारणा नंबर बेटा 1 हम लोग देख लिए, दूसरा एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक क्या कह रहा है बेटा, एक निश्चित या शांत रेखा को, एक निश्चित बोलो या बेटा एक शांत रेखा को, एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कैसे निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बेटा, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है बेटा, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बेटा, जैसे एक बिंदु यहाँ पे है ए, एक बिंदु यहाँ पे है बेटा ए, और एक बिंदु यहाँ पे है बी, ये बेटा शांत रेखा है। अब इसको हम अनिश्चित रूप से जितना मन करे उतना हम बढ़ा सकते हैं, इसको भी जितना मन करे उतना हम बढ़ा सकते हैं, ये अभिधारणा 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तीसरी अभिधारणा क्या कह रही है, आ जाओ तीसरी अभिधारणा पे। तीसरा अभिधारणा कह रहा है बेटा, अभिधारणा किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है बेटा, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है बेटा, तीसरा क्या कह रहा है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से
वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है बेटा, जैसे कोई बिंदु हुआ, इसको हम केंद्र मान लेंगे बेटा, इतनी त्रिज्या ले लिए, क्या करेंगे, इतना वृत्त ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, यह भी हो जाएगा बाबू। आ जाओ अभिधारणा नंबर 4 देखते हैं। चौथा अभिधारणा क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह भी सही है बेटा, क्या है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बेटा जैसे यहां पे एक समकोण है, यहां पे पी क्यू आर, ये 90 अंश है, और दूसरा बेटा ए बी और सी, यह भी है 90 अंश। तो देखेंगे बेटा यह दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ आगे चलते हैं बेटा, चलते हैं 5 नंबर पे। पांचवा क्या कह रहा है बेटा, पांचवा अभिधारणा कह रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने एक ही दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोण का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वह सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर योग समकोण से कम होती है। इसके कहने का मतलब पांचवा बेटा, अगर एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा ऐसे जा रहे हैं, इस पर क्या करें, गिर जाए, तो बेटा ये दोनों इधर मिलकर जो कोण होगा तो क्या करेंगे, दो समकोण मतलब 180 से कम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोण अगर बेटा एक कर दें, यहाँ पे कोण दो कर दें, दोनों का योग क्या होगा, 180 से कम ही दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है। ठीक है, तो चलो अभिधारणा को भी नोट कर लो, नहीं तो समझ लिए होंगे आप लोग, नोट करने की कोई जरूरत भी विशेष नहीं है। अब चलेंगे बेटा प्रश्नावली पे, प्रश्नावली नंबर 5.1। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें भी कई क्वेश्चन है बेटा, 1, 2, 3, 4, शायद 4 होगा या 5 होगा। ठीक है, देखते हैं, लगभग 5 ही है। ठीक है बेटा, पहला कह रहा एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। ठीक है बेटा, पहला कह रहा एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो पहला बेटा दिया है एक बिंदु मान लिया, अब एक से यहां से एक ही रेखा खींची जा सकती है, खींचा गया, यह खींचा गया, यह खींचा गया, यह खींचा गया, ये खींचा गया, ये खींचा गया, जितने मन करे उतने खींचो बेटा, एक ही बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, ना कि एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बेटा, इस कारण पहला क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है बाबू, दूसरा कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, क्या बेटा, दो भिन्न बिंदुओं से, तो दो बिंदुओं से, दो भिन्न बिंदुओं से, जैसे बेटा यहाँ पे एक हो गया ए, यहाँ पे दूसरा हो गया बी, यहां से यहां तक एक ही रेखा खींची जाएंगी, और बहुत सारे रेखा खींचो, देखो इस बिंदु से जा रहा है, इस बिंदु से जा पाएगा, नहीं, यहां से खींच दे रहा है बेटा, इस बिंदु से जा रहा है, इस बिंदु से जा पाएगा, नहीं, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यह भी क्या होगा बेटा, यह भी होगा असत्य, क्यों, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बेटा, रेखा खींची जा सकती है, इसमें पहले वाले मन करेगा लिख लेना बेटा, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, या अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ बेटा तीसरे पे, एक शांत रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती हैं, एक शांत रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से, बेटा अनिश्चित या निश्चित रूप से क्या जा सकते हैं, बढ़ाई जा सकती है, सत्य है बेटा। अभी आप लोग देखे थे अभिघृत में, किसी एक अभिघृत में देखे थे, किसमें देखे थे बेटा, दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, अभिधारणा में देखे थे बेटा, दूसरे में, दूसरे अभिधारणा में देखे थे। ठीक है, और क्या कह रहा है बेटा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है, यह भी सत्य है बेटा, क्योंकि कोई भी वृत्त बराबर रहेगा तो उनकी त्रिज्या भी आपस में बराबर ही होंगी। ठीक है बाबू, पांचवा कह रहा है निम्नलिखित चित्र में यदि ए बी दिया है बाबू, एक दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी, दूसरा दिया है बेटा कुछ, और तीसरा भी कुछ दे दिया है। ठीक है, पी क्यू दिया है, पी और क्यू, तीसरा दिया है बेटा क्या, एक्स और वाई, क्या दिया है बेटा, एक्स और वाई, और कह रहा है बेटा यदि ए बी बराबर पी क्यू, यदि यदि ए बी बराबर पी
और क्या दिया है बेटा, पी क्यू बराबर एक्स वाई, पी क्यू बराबर एक्स वाई, ठीक है बेटा। इसको समीकरण नंबर एक, इसको समीकरण नंबर दो, तो सिद्ध करो बेटा, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ए बी बराबर देखो बेटा बोला है एक्स वाई होगा, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, समीकरण एक और दो से देखोगे, देखो ये पी क्यू जो है, पी क्यू देखो यहां पे है भी पी क्यू, यहां पे ए बी के बराबर पी क्यू है, यहां पे पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या होगा बेटा, समीकरण एक व दो से ए बी जो होगा बेटा बराबर होगा एक्स वाई के, तो ये क्या होगा बेटा, यह सत्य होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग कर चुके, इसी के साथ बेटा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। तो चलो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, ध्यान से देखोगे बेटा तो बहुत इजी है, नहीं तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इन्हें क्या इनके लिए कुछ ऐसा पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। नंबर एक बेटा दिया समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है बेटा। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, दो या दो से अधिक वे सीधी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है बेटा, सीधी होती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे बेटा यह एक सीधी रेखा है, दूसरी इनके बीच की दूरी हर एक जगह क्या हो बेटा, समान हो, तो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक वे सीधी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होती है, समान होती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है बाबू, दूसरा कह रहा है लंब रेखाएं। तो लंब रेखा क्या होगी बेटा, ऐसी दो रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे पर लंब होती हैं या समकोण बनाती हैं, क्या होता है बेटा, लंब रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी दो रेखाएं देखो, जैसे बेटा ये रेखा जा रहा है, ये रेखा जा रहा है, दोनों बेटा एक दूसरे पर समकोण पर मिल रही हैं, तो क्या होता है, लंब रेखा कहलाती हैं। ऐसे परस्पर दो रेखाएं जो समकोण पर मिलती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है बेटा, हो जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं, आ जाओ बेटा तीसरे पे, इसमें भी दो तीन है। तीसरा है बेटा रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है बेटा, रेखाखंड बेटा रेखाखंड, और यहां पर बेटा समांतर रेखाएं थी, यहां पर डाल लेना बेटा लंब रेखाएं, ठीक है, लंब रेखाएं लिखना भूल गए। रेखाखंड किसी रेखा का वह भाग जो क्या होती है बेटा, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। जैसे बेटा ये रेखा है, इसका एक भाग इतना हम काट ले रहे हैं इतना, तो ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है बेटा, रेखाखंड हो जाएगा, ठीक है। लिख लेना मन करेगा, किसी रेखा का वह भाग, किसी रेखा का वह भाग जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, रेखाखंड कहलाती है या कहलाता है, ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है। अगला क्या है बेटा, अगला वृत्त की त्रिज्या, तो बाबू चौथा दिया है वृत्त की त्रिज्या, तो क्या होती है बेटा वृत्त की त्रिज्या, ए बेटा वृत्त का केंद्र है, ए बेटा परिध है, तो वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी को वृत्त की
त्रिज्या कहते हैं। हो जाएगा बेटा। अब आ जाओ एक और है लास्ट, शायद वर्ग होगा। वर्ग यह है बेटा पांचवा वर्ग। वर्ग क्या होता है बेटा? चार भुजा सिवाय घिरी आकृति जो परस्पर बराबर होती हैं तथा समकोण पर मिलती हैं, वो क्या कहलाती है बेटा? वर्ग कहलाती हैं। चार भुजा से, चार भुजा से घिरी वह आकृति जो परस्पर बराबर होती हैं, बराबर होती हैं तथा समकोण पर मिलती हैं, वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती बेटा? वर्ग कहलाती है। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका डिफिनेशन, परिभाषा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाबू आप लोग क्वेश्चन नंबर दो भी नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए अवधारणों पर विचार कीजिए। दो भिन्न, पहला दिया बेटा दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, यहाँ कम से कम तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इस अवधारणा में कोई शब्द अपरिभाषित शब्द है? इस अवधारणा में अपरिभाषित शब्द क्या होगा बेटा? बिंदु और रेखा होगा। ठीक है, इस अवधारणा में लिख देना, इस अवधारणा में अपरिभाषित, अपरिभाषित शब्द क्या है बेटा? बिंदु व रेखा है। ठीक है, बस। और क्या कहा बेटा? क्या इन अवधारणाओं में कोई शब्द अपरिभाषित शब्द है? ठीक है, क्या ये अवधारणा अविरोधी हैं? ये यूक्लिड के अवधारणाओं का अनुसरण नहीं करती, इसलिए बेटा अविरोधी हैं। ठीक है, लिख देना, हाँ हाँ अविरोधी हैं, क्योंकि बेटा यूक्लिड के अवधारणा को क्या करते हैं, ये फॉलो नहीं करती हैं। बस क्वेश्चन नंबर तीन हो गया बेटा, इसी के साथ खत्म। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर चार, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर चार पे। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, यह दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर एक बटे दो ए बी। ठीक है बेटा, दो बिंदु हैं ए और बी, ए और बी, इनके बीच बेटा एक बिंदु सी है, तो सिद्ध करना है ए बी बराबर एक बटे दो ए सी। दिया है बेटा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या दिया बेटा? ए सी बराबर बी सी दिया है बेटा, ए सी बराबर बी सी दिया है। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर एक। अब बाबू यहाँ पे मध्य बिंदु बोला है, क्या होगा? ए सी बराबर सी बी होगा, या बेटा जो पूरा ए बी होगा, देखना ये पूरा ए बी जो होगा बेटा, देखना क्या होगा, ए सी प्लस सी बी के बराबर होगा। ए सी प्लस सी बी लिखो या बी सी लिखो, हो जाएगा बेटा। अब समीकरण एक से बी सी की जगह क्या रखो बेटा? ए सी रखना। ठीक है, समीकरण एक से बी सी के स्थान पर ए सी रखने पर तो ए बी बराबर होगा ए सी, दोनों बराबर है बेटा, तो यहां पे हो जाएगा ए सी। ठीक है, ए सी ए सी दो ए सी होगा बेटा, ए बी बराबर दो ए सी, या दो ए सी बराबर ए बी, तो हो जाएगा ए सी बराबर एक बटे दो ए बी। ये हमको क्या करना था बेटा? सिद्ध करना था। देखो ये गुणे में इधर आएगा भाग में, बस इतना ही करना था। हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर चार भी खत्म। आ जाओ बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं बेटा, छह या सात क्वेश्चन हैं। आ जाओ पांचवे पे। पांचवा क्या कह रहा है बेटा? पांचवा कह रहा है कि प्रश्न चार में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है बेटा, सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। बेटा इसमें क्या है? एक मध्य बिंदु है, रेखा ए बी, इसका मध्य बिंदु सी है, मान लिया एक बिंदु डी है। ठीक है, सिद्ध करना एक और एक ही मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो क्या होगा? सी ए बी का मध्य बिंदु है, सी ए बी का मध्य बिंदु है,
तो बेटा अभी हम सिद्ध किए हैं ए बी बराबर एक बटे दो ए सी सिद्ध किए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही, और बोला है प्रश्न संख्या चार से, ठीक है बेटा। और माना ए बी का मध्य बिंदु क्या मान लिए हम, डी है, ठीक है। माना ए बी का मध्य बिंदु क्या है बेटा, बिंदु डी है। अगर ए बी का मध्य बिंदु डी होगा तो ए बी बराबर क्या होगा बेटा, ए बी बराबर एक मिनट, ए सी बराबर आया था ना बेटा, एक ए सी बराबर, सॉरी ए सी बराबर आया था एक बटे दो ए बी। तो बेटा डी अगर रहेगा तो ए डी बराबर वही आएगा, ए डी बराबर हो जाएगा एक बटे दो ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर एक, इसको समीकरण नंबर दो, समीकरण एक व दो से बेटा देखो तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर होंगे, ए सी बराबर ए डी। तो देखो बेटा ए सी यहां से यहां तक ही है और ए डी यहां से यहां तक है, तो दोनों बराबर है बेटा, नहीं है तो क्या होगा देखेंगे, अगर बराबर है तो ए सी रेखा ए सी ए डी के संपाती होगा, ठीक है। अतः रेखा ए सी रेखा ए डी के संपाती संपाती होगा, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा, नहीं है। अतः लिखना बेटा, अतः एक रेखा का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, बस कर लोगे। क्वेश्चन नंबर पांच भी हो गया बेटा इसी के साथ खत्म। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर छह की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर छह क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर छह क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि ए सी बराबर बी डी, सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। बेटा एक रेखा दिया है ऐसे, ठीक है, और यहां पे दिया बेटा ए बी सी डी, ए यहां पे बेटा बी, यहां पे सी, यहां पे डी। और क्या बोल रहा बेटा, यदि ए सी बराबर बी डी हो, यदि ए सी बराबर बी डी हो, ठीक है बेटा दिया है, तो क्या करना बेटा ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना बेटा, ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। अब बाबू ए सी बराबर बी डी दिया, देखो ए सी बराबर क्या दिया है बी डी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करें बाबू, ए बी बराबर सी डी लाना है, ए बी बराबर सी और डी लाना है, तो क्या करेंगे, ए सी दिया है बेटा, ए सी बराबर बी डी क्या किया बेटा, दिया है ए सी, देखना बेटा यहां से लेके यहां तक है, इसको हम लिख सकते ए बी प्लस बी सी, लिख सकते हैं बेटा, इसको लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर बी डी। बेटा यहां से यहां तक का है तो इसको लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, यही बेटा प्लस है भी प्लस, कैंसिल, ए बी बराबर सी डी, यही करना था बेटा, सिद्ध हो गया, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सात देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सात, ठीक है। क्वेश्चन सातवां क्या कह रहा है बेटा, यूक्लिड की अभिग्रहित को की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित पांच एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो बेटा यूक्लिड का पांचवा अभिग्रहित क्या है कि पूरा सदैव अपने भाग से बड़ा होता है, यही है बेटा, पूरा सदैव या पूर्ण सदैव लिखना बेटा, सदैव अपने किसी भी भाग से, किसी भी भाग से सदैव बड़ा होता है, ठीक है बेटा, ये इसका पांचवा, इनका यूक्लिड का पांचवा अभिग्रहित है, ठीक है बेटा। तो यह सत्य क्यों होता है, क्योंकि बेटा कोई भी चीज होगा तो वो क्या होगा, अपने भाग से तो बड़ा होगा ना, जैसे तुम लोग 10 किलो चीनी ले लिए बेटा, इसका कोई भाग ले लो 9 किलो, तो 9 किलो से क्या होगा, यह पूरा बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, या इसका कोई भी भाग ले लो 1 किलो, 1 किलो से यह पूरा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 10 किलो है, ठीक है। तो पूर्ण हमेशा क्या होता, अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ यह प्रश्नावली क्या हो गया बेटा, 5.1 खत्म हो गया। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।